दिव्या कॉलेज क्लासेस चालू हुआ क्या नहीं उधर? दिव्या कॉलेज क्लासेस चालू हुआ है कि नहीं हुआ? कैसा है? चालू है? क्या चालू है? क्लास के कॉलेज का दोनों चालू है? क्लास भी चालू हो गया? क्लास कैसे चालू हो रहे? परमिशन तो नहीं दिया क्या? ऐसे ही चालू कर दिया? क्लासेस, क्लास मतलब क्लासेस बोलता हूँ। ऐसे ही चालू किया गया? ठीक है अच्छा है। चलो नेक्स्ट करेंगे। चलो अभी इसका एररलेस में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो अभी चालू करते हैं। ओके चलो, क्या क्या दिया है? सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है। एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स आया है इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल है, सिंपल न्यूमेरिकल्स है। देखो क्या है, टू सॉलिड रबर बॉल्स, टू सॉलिड रबर बॉल्स ए एंड बी हैविंग मासेस 200 एंड 400 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ पे एक बॉल है, तो नेमिंग क्या किया है? टू सॉलिड रबर बॉल्स ए एंड बी, सीपीएमटी 1978 का क्वेश्चन है। सीपीएमटी 1978 का क्वेश्चन है, ठीक है। टू सॉलिड रबर बॉल्स ए एंड बी हैविंग मासेस 200 एंड 400 ग्राम्स। यह है 200 ग्राम का, यह है 400 ग्राम का, आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटी ए इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी कितना है? 0.3 मीटर पर सेकेंड। After collision, the two balls come to rest. अभी ये इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है। बी का वेलोसिटी ऑपोजिट दिया है, लेकिन कितना वो पता नहीं। इसका इधर है, इसका इधर है, लेकिन बी का ऑपोजिट वेलोसिटी दिया है, लेकिन कितना है वो कुछ दिया नहीं। अब क्या बोल रहा है? टू सॉलिड, स्टार्ट से रीड करता हूँ। टू सॉलिड रबर बॉल्स ए एंड बी हैविंग मासेस 200 एंड 400 ग्राम रिस्पेक्टिवली आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस with velocity a equal to 0.3 meter per second. After collision, the two balls come to rest. After collision, the two balls come to rest. Then velocity of b. So velocity of b निकालना है. And after collision क्या होता है? दोनों rest पे आते हैं. तो दोनों rest पे आते हैं मतलब क्या है? दोनों rest पे आते हैं मतलब क्या है? Final momentum zero होता है ना? दोनों rest पे आते हैं. अभी कौन सा भी कोलिजन होने दो, इधर कुछ कौन सा कोलिजन दिया नहीं है, कौन सा भी कोलिजन होने दो, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है। काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है इनइलास्टिक है इलास्टिक है उसके ऊपर। अब दिया क्या है? आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी जीरो होता है, तो दोनों का मोमेंटम भी जीरो, तो इसका मोमेंटम भी जीरो प्लस उसका भी जीरो। बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम है? उतना ही आफ्टर कोलिजन भी होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होना चाहिए? तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम होना चाहिए जीरो। तो इसका ए का मोमेंटम कितना है? 0.2 मास, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी कितना है? 0.3, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मास कितना है? 0.4 एंड इसका वेलोसिटी कितना है कुछ पता नहीं, ठीक है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी एज्यूम किया है इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। इसको प्लस लिया तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करके निकालने का, चलो निकालो कितना वेलोसिटी बोलो फिर आगे का करेंगे। चलो सॉल्व करो, वेलोसिटी कितना आता है बोलो फिर आगे जाएंगे। सॉल्व करो,
कितना 0.15 आ रहा है, सिंपल सिंपल है 0.15 ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिर, नेक्स्ट है KCET 2007 ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, KCET 2007 का है क्या बोल रहा है देखो, अ शेल ऑफ 20 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड्स। अब शेल ऑफ, शेल मतलब क्या है, जो टैंक रहता है, टैंक में से जो आता है बुलेट, बड़ा बड़ा बुलेट आता है, टैंक मतलब रणगाड़ा, तो टैंक में से जो बड़ा बड़ा बुलेट आता है उसको क्या बोलते हैं, शेल है, शेल मतलब बड़ा बम रहता है। तो क्या होता है, शेल ऑफ 20 kg एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स, शेल ऑफ 20 kg एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स हुज मासेस आर इन द रेशियो 2:3। मासेस दो पार्ट्स में एक्सप्लोजन होता है एंड रेशियो ऑफ मासेस इज 2:3। द स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव्स विद अ वेलोसिटी 6 m/s, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर फ्रैगमेंट। तो इधर ऐसा क्रैक होता है, दो पार्ट्स में एक्सप्लोजन होता है, 20 किलोग्राम का ये बॉम्ब है, दो पार्ट्स में एक्सप्लोड होता है। अब एक पार्ट इधर जाएगा तो दूसरे पार्ट को इधर ही जाना पड़ेगा, अगर एक पार्ट नीचे जाता है तो दूसरे पार्ट को बराबर ऊपर ही जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि बिफोर एक्सप्लोजन ही स्टेशनरी था, क्योंकि बिफोर एक्सप्लोजन ही स्टेशनरी था तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी मोमेंटम जीरो ही चाहिए। तो एक का मोमेंटम इधर है तो दूसरे का मोमेंटम उधर ही, इस डायरेक्शन भी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में ही चाहिए और उतना ही चाहिए, तभी कैंसिल हो सकता है ना, ठीक है। तो मासेस कितना है 2:3 में, मासेस का रेशो क्या है 2:3 में। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंड होता है इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूं। देखो 3+4 कितना है, 3+2 5, 5 से इसको डिवाइड करो तो 4 आता है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 8 एंड 4 × 3 कितना आता है 12, 2+3 5, 5 से इसको डिवाइड किया तो 4, 4 से इसको है इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 × 12। तो ये क्या निकाला मैंने, छोटा वाला जो मास है वो 8 किलोग्राम का है, बड़ा वाला जो मास है वो 12 किलोग्राम का है, एंड 12+8 कितना है, 12+8 कितना है, तो 12+8 है 20। एक की बार मैं थोड़ा यहाँ पे ठीक है, तो 8 किलोग्राम का इधर जाएगा और 12 किलोग्राम का उधर जाएगा। अब जो छोटा वाला है उसका वेलोसिटी दिया है कितना 6 m/s, और जो बड़ा वाला है उसका वेलोसिटी नहीं निकालना, बड़ा वाला है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, वेलोसिटी नहीं निकालना। तो ये भी सिंपल सिंपल है, तो मोमेंटम आफ्टर जीरो है, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन जीरो था तो मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन भी जीरो ही रहेगा। तो इसका मोमेंटम इधर है कितना 8 × 6 = 48, इसका मोमेंटम 8 × 6 = 48 है, इधर इधर का प्लस लेता हूं तो उधर का माइनस लेना पड़ेगा। तो इसका मोमेंटम उधर कितना है 12b - 12b है ना, m × b। तो इसका इधर, इसका इधर है तो इधर में नेगेटिव पक्ष पकड़ता हूं तो बी कितना आता है, तो वेलोसिटी कितना आता है 4 m/s। तो वेलोसिटी कितना आता है तो 4 m/s आता है, ठीक है। अब वेलोसिटी नहीं पूछा, पूछा क्या है तो काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लार्जर मास, हाफ मास है 12 एंड वेलोसिटी 4 का स्क्वायर, 12/2 = 6, 6 × 60 तो 96 joules आता है काइनेटिक एनर्जी, बड़े वाले का 96 joules आता है,
ठीक है, चलो लिखो, चलो लिखो पूरा। चलो हो गया क्या रे, बोलो फटाफट लिख के, हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। सिंपल सिंपल ही न्यूमेरिकल से, इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा ज्यादा से मूवमेंट मोमेंटम कंजर्व करने के ही न्यूमेरिकल से। ठीक है चलो, ये वाला तुम लोग ट्राई करो अभी, ये वाला ट्राई करो। AFMC 19 आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का एग्जामिनेशन है, 1997 का एग्जांपल है। देखो क्या बोल रहा है, अ कैनन बॉल, कैनन बॉल मतलब अनदर बम है, शेल ही है। अ कैनन बॉल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कैनन बॉल है, कितना किलोग्राम का है वो दिया नहीं है, कितनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, 200 से प्रोजेक्ट किया, 200 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट। ऐसा जाता है और क्या, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे 3 फ्रैगमेंट, हाईएस्ट पॉइंट पे 3 टुकड़ा हो गया उसका, 3 फ्रैगमेंट्स होता है और एक्सप्लोड होता है। वन गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 100, एक ऊपर जाता है 100 मीटर पर सेकेंड, और फ्रैगमेंट्स कैसा होता है, इक्वल, तीनों का मासेस इक्वल, तो इसका मास m है तो mm इक्वल फ्रैगमेंट्स, इक्वल फ्रैगमेंट, इक्वल इक्वल 3 मासेस होता है, एक जाता है ऊपर 100 मीटर पर सेकंड, सेकंड वन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 100, पहला ऊपर जाता है 100 से, दूसरा टुकड़ा बराबर नीचे आता है 100 से, तो तीसरा किधर जाएगा और उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, यहां पे है तीसरा फ्रैगमेंट, थर्ड फ्रैगमेंट, उसका वेलोसिटी कितना रहेगा एंड उसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा वो निकालना है। चलो ट्राई करो, आता है क्या देखो, नहीं तो मैं बोलता हूं, चलो ट्राई करो, आता है क्या देखो, नहीं तो मैं बोलता हूं। चलो बोलो, ट्राई करो, आता है क्या देखो। चलो दिव्या देखो कुछ आता है क्या, बोलो। सही है साक्षी, करेक्ट है। देखो करो मैं इधर,
कैसा करना है इधर, इसको कैसा करना है, क्या होता है? इधर है अपना 200 का वेलोसिटी, इधर है 200 का वेलोसिटी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आता है? 200 कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 रहता है 1/2, तो ये आता है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो 200 है, चलो सब लोग देखो इधर, अभी ये जो 200 है इसका, ये जो 200 है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आता है? ये जो 200 मीटर पर सेकेंड है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आता है? तो कॉस ऑफ 60 आता है। इसका अभी वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, वो कुछ काम का नहीं है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा। तो ये जो बॉल टॉप पे जाता है, ये जब बॉल टॉप पे जाता है तब कौन सा वेलोसिटी रहता है उसके साथ? तो हॉरिजॉन्टल रहता है, वर्टिकल वैनिश होता है, जो भी वर्टिकल है कम होके जीरो होता है, और जो हॉरिजॉन्टल है वैसा के वैसा हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही रहता है ऊपर की। यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टल बचता है, टॉप पे वर्टिकल कुछ भी नहीं है। तो जो है पहले हॉरिजॉन्टल था, तो बॉल यहां आने के बाद टोटल मास का वेलोसिटी 100 था। तो मास कितना है? 3m, तीन फ्रैगमेंट्स है तो तीनों का मास में m m m पकड़ता हूं, तीन फ्रैगमेंट्स है तो तीनों का मास में m m m पकड़ता हूं, तो टोटल मास 3m। तो टोटल मास यहां का एक्सप्लोड होने के पहले 3m था, तो टोटल वेलोसिटी कितना था? 100 था। यहां पे बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मास, टोटल वेलोसिटी, तो बिफोर मोमेंटम, ये बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम हो गया, बिफोर एक्सप्लोजन ये मोमेंटम हो गया, बिफोर एक्सप्लोजन ये मोमेंटम हो गया। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होता है? बिफोर एक्सप्लोजन ये मोमेंटम हो गया, अब आफ्टर एक्सप्लोजन क्या मोमेंटम होता है? तो आफ्टर एक्सप्लोजन वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, आफ्टर एक्सप्लोजन वर्टिकल डायरेक्शन में तो इधर था ही नहीं कुछ पहले, बिफोर एक्सप्लोजन वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ मोमेंटम था ही नहीं, तो ये ऊपर m मास जा रहा है तो उसका, और नीचे भी m मास आ रहा है उतनी वेलोसिटी, तो वो कैंसिल होता है। तो जो तीसरा जा रहा है उसका अकेले का ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम है, जो तीसरा मास है, तीसरा फ्रैगमेंट, उसका अकेले का ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम है। तो तीसरा मास कितना है? m का ही है, अगर बड़ा मास 3m का है तो उसका एक फ्रैगमेंट m का है, इनटू उसका वेलोसिटी, है ना? तो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम, बिफोर एक्सप्लोजन हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू आफ्टर एक्सप्लोजन हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल आफ्टर एक्सप्लोजन एंड वर्टिकल ये कैंसिल हो गया, वर्टिकल तो था ही नहीं पहले तो कैंसिल ही होना था। मास को मास गया तो वेलोसिटी कितना आता है? 300 मीटर पर सेकेंड। ये मास गया तो वेलोसिटी कितना आता है? 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो देखो, लिखो ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस होगा इतना, आज के लिए बस होगा इतना।